बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था बीसीसी में कि भैया हम एग्रीकल्चर ले या बीएससी नर्सिंग। तो देखो यार, अगर नर्सिंग का काम आपको अच्छा लगता है, नर्सिंग यानी कि डॉक्टर फील्ड में आपको आगे करियर बनाना है, तो नर्सिंग ले सकते हो। लेकिन अगर आपको जॉब पहले करना है, यानी कि आपको प्लेसमेंट के थ्रू जॉब लेना है, या आपको लाइफ में जल्दी जॉब की ज़रूरत है, तो नर्सिंग मत लो। क्योंकि नर्सिंग में आपको पहले जॉब नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट के थ्रू जॉब जल्दी नहीं मिलेगा, और सभी कॉलेज नर्सिंग का बेटर नहीं है। तीन ऐसा कॉलेज है जो बेटर है, NMCH हो गया, BIMS हो गया, DMCH हो गया, या तीन कॉलेज बेटर है। चौथा कॉलेज में, पांचवा कॉलेज में आपको अपने से कोशिश करना पड़ेगा, अपने से मेहनत करना पड़ेगा, और ज़्यादा प्राइवेट जॉब की इसमें अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वही बात करते हैं, कंपेयर करते हैं बीएससी नर्सिंग एग्रीकल्चर का, तो बीएससी एग्रीकल्चर में बेटर सब कुछ है, जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है। यानी कि वहाँ पे हर साल देखिएगा एग्रीकल्चर ग्रुप से जॉब आती रहती है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट प्लेसमेंट की भी सुविधा है। थर्ड में बात करें तो कॉलेज माने कि आपको मेडिकल कॉलेज से बेटर आपको एग्रीकल्चर कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा है, क्योंकि न्यू कॉलेज है, वहाँ पर फैकल्टी भी पूरी तरह से है, इसलिए एग्रीकल्चर इज बेस्ट इन दिस ईयर, और फ्यूचर में भी एग्रीकल्चर बेस्ट होने वाला है। बहुत कोई का सपना है मेडिकल में जाने के, यार मेडिकल में जा सकते हो, बट हम राय विचार नहीं देंगे कि मेडिकल में जाओ, क्योंकि मेडिकल में फ्यूचर में आने वाले समय में मेडिकल में आपको प्राइवेट जॉब ज़्यादा दिखने को मिलेगी। वहीं बात करें एग्रीकल्चर में, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब दोनों आगे चल के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप एग्रीकल्चर लो, और एग्रीकल्चर का फैकल्टी सबसे अच्छा है, तो एग्रीकल्चर लेना बहुत बेटर है। खासकर जिनको मेडिकल ग्रुप में नहीं जाने का रुचि है, बायोलॉजी में रुचि है, तो बायोलॉजी में यार अगर आपको प्लांट से रिलेटेड ज़्यादा रुचि है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप एग्रीकल्चर लो। वहीं बात करते हैं अगर एनाटॉमी से रिलेटेड ज़्यादा रुचि है, यानी कि बॉडीज के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। उसके बाद बात करें कि कैंपस के बारे में, तो कैंपस यार मेडिकल और एग्रीकल्चर का दोनों का सेम ही है अप्रॉक्स। और बात करें सुविधाएं की, तो हॉस्टल की सुविधा ज़्यादातर बेटर एग्रीकल्चर कॉलेज का है, मेडिकल का उससे लो है। उसके बाद करें एजुकेशन का, तो एजुकेशन का ज़्यादातर बेटर मेडिकल कॉलेज में, दो ही कॉलेज है NMCH और BIMS, बाकी सब लोअर है। और बात करें एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में पांचों एग्रीकल्चर कॉलेज बेटर है एजुकेशन के मामले में। उसके बाद बात करें स्पोर्ट्स के मामले में, तो स्पोर्ट्स के मामले में एग्रीकल्चर कॉलेज बेस्ट है, मेडिकल कॉलेज थोड़ा लो है। ऐसे भी मेडिकल कॉलेज में ज़्यादातर लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, स्पोर्ट्स के पर कम ध्यान देते हैं। अगर स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि है, तो एग्रीकल्चर की तरफ आओ। अब यहाँ पर हम ज़्यादातर बात करते हैं, यहाँ पर डाउट आता है, भैया हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो भाई हिंदी मीडियम वाले हो तो एग्रीकल्चर में घींच घाच के तुम पास हो जाओगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आप 100% मेडिकल में घींच घाच के नहीं, ऐसे भी पास हो जाओगे, लेकिन एग्रीकल्चर में भी पास हो जाओगे। लेकिन हिंदी मीडियम वाले कहे मेडिकल फील्ड में करियर बनाने का, तो बहुत कठिनाई होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप एग्रीकल्चर में जाओ, थोड़ा फास्ट में ग्रो करोगे। यानी कि हिंदी मीडियम वाले के लिए बेटर है ऑप्शन एग्रीकल्चर, क्यों ना रैंक कितना भी हो, बेटर है आपके लिए एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर लेना। अगर वीडियो में जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो सभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और सभी हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के पास शेयर करो। थैंक यू।